नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक बार फिर। मैं आपका अपना होस्ट अनिल शर्मा लेकर आया हूँ चंद्र ग्रहण और स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि के ऊपर चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स का क्या प्रभाव होगा, और आप में से बहुत सारे मित्र बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्लीज चंद्र ग्रहण के बारे में बताइए कि कैसा रहेगा। तो यही जानकारी लेकर आप सामने आ रहा हूँ। तो चंद्र ग्रहण और स्कॉर्पियो राशि, एक कुंडली आपको दिखाता हूँ उस समय ग्रहण की, ग्रहण काली कुंडली जो स्कॉर्पियो राशि में ग्रहों की पोजिशन क्या है पहले वो देखें, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपके सामने देखें कि चंद्र ग्रहण जिस समय होगा उस समय स्कॉर्पियो राशि में चंद्रमा जो है वो दूसरे घर में बृहस्पति और केतु के साथ होंगे, और चंद्रमा आपके भाग्येश हैं। वहीं आपके राशिपति मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, जो पहले और छठे भाव के मालिक होकर फिफ्थ हाउस में होंगे। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये निश्चित तौर पर दिखा रही है कि यह चंद्र ग्रहण जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा चंद्र ग्रहण साबित होता हुआ मुझे प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले सेकेंड हाउस जो फैमिली मैटर है, फाइनेंशियल मैटर है, आपका दूसरे लोगों के साथ व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा होगा, और आप अपनी वाणी से अपनी आप कहते हैं कि एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो आप दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे, और ये अट्रैक्शन आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा जो है अपना रोल प्ले करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग प्रोफेशन में हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, किसी भी तरह से आपका जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है, वो दिखा रहा है कि आप लोग जो हैं बहुत ज्यादा इस ग्रहण के समय में लाभ की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको और प्रपोजल मिलेंगे, उनके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए प्रमोशन के चांसेस हैं, पे राइज मिलने के चांसेस हैं, और कह सकता हूं कि ये चंद्र ग्रहण आप लोगों की वेल्थ को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ ही बात बस नहीं हो जाती है, रुक नहीं जाती है। इस ग्रहण का और भी अच्छा अवसर ये होगा कि जो लोग शादीशुदा उम्र के हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो भाई लोग आप लोगों के लिए, मेल और फीमेल आप लोगों के लिए कोई अच्छा प्रपोजल जो है ये चंद्र ग्रहण लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप एक से दो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप एक सूत्र में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही एक शुभ समाचार ग्रहण के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। वहीं मैं बात करूं, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके जीवन में कितनी भी कड़वाहट थी, लेकिन ये चंद्र ग्रहण अब आपसी मतभेद को बुला के तालमेल बनाने की ओर है। तो यानी कि मैरिटल लाइफ में एक हैप्पीनेस की बात कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये चंद्र ग्रहण जो है आपकी जॉब को, आपके करियर को लेके, आपकी वेल्थ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके काफी अच्छा है। इसके अलावा एक और चीज, एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बता दूं। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो भाग्य का है, तो भाग्य आपका साथ देगा, और साथ ही साथ किसी ना किसी तरह से आपके मन में यात्रा के प्रति जो है विचार होगा कि चलो इस ग्रहण काल में कोई तीर्थ यात्रा की जाए। हालांकि सब जगह इस समय दुनिया भर में कोविड की वजह से बहुत सारी यात्राएं बंद हैं, लेकिन फिर भी आप मंदिर गुरुद्वारे में जाना चाहेंगे, आप कोई घर के अंदर धार्मिक अनुष्ठान करना चाहेंगे, आप किसी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहेंगे, जो जो कि एक अच्छी स्थिति दिखा रहा है, जिसका लाभ ही आपको मिलेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं पंचम भाव में आपका राशिपति होने से उन लोगों के लिए खास तौर पे ये ग्रहण अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जो अभी तक फैमिली प्लानिंग में सक्सेस जिन्हें नहीं मिली है, प्रयास करने के बावजूद भी कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण आप लोगों को पेरेंट्स बनाने की ओर आगे बढ़ेगा। और बहन भाइयों, जैसे ऑलरेडी बच्चा है, आप सेकंड बेबी की प्लान कर रहे हैं या थर्ड बेबी सोच रहे हैं, तो उसमें सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। तो कुल मिला के फैमिली, फैमिली मैटर जो हैं, बच्चों के जो संबंधित जो मैटर हैं, वहीं शादी, शादी से जुड़े हुए मैटर हैं, तो कुल मिला के ये कुंडली जो है वो अपने आप में ग्रहण काले कुंडली जो है आप लोगों के लिए हर तरह की जो अभी तक कार्य नहीं उनकी पूर्ति की सूचना दे रही है। तो मैं यही कहूंगा कि स्कॉर्पियन के लिए ये निश्चित तौर पे ग्रहण जो है वो काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी कारण से आप को एंग्शियस है, एंग्जाइटी है, आप सोच रहे हैं कि अरे मेरा कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए कि जो ग्रहों की पोजीशन है उस समय के दौरान वो बहुत अच्छी है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो आप उसका निवारण इससे पहले करें, किसी से कुंडली दिखवा के कर ले, ताकि कोई भी जो बेनिफिट आपको इस समय के दौरान मिल सकता है आप उसको ले पाए। और साथ ही साथ एक रेमेडी आप लोगों को देना चाहूंगा इसका पूर्ण फल लेने के लिए, के ग्रहण काल के दौरान हालांकि मंदिर गुरुद्वारे जो है बंद हो जाते हैं, और ये ग्रहण काल रात्रि के समय होता है, तो आपके पास दिन का समय रहेगा, कोशिश करें कि आप सफेद बर्फी जो है, व्हाइट स्वीट्स जो है, व्हाइट कलर की मिल्क मेड जो स्वीट्स हैं, उनको आप राम जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में,
कृष्ण जी के मंदिर में अगर आप दें तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और आपके रुके हुए कार्य जो है वो निर्विघ्न जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पूर्ण सफलता जो है वो मिलेगी। और अगर जाते जाते मैं कहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें हर बुधवार, हर संडे, हर फ्राइडे 5 बजे इवनिंग टाइम यूके टाइम के हिसाब से और फ्राइडे के दिन दोपहर 12 बजे यूके टाइम के हिसाब से MATV के माध्यम से भी मैं आपकी सेवा में प्रोग्राम लेकर आता हूँ और नई नई जानकारियों के साथ आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। आपको कहूंगा आप रहें खुश और आगे चर्चा जो ही जारी रहेगी, आपका साथ मिलता रहेगा तो और जानकारी लेकर आपके साथ सामने हाजिर होता रहूंगा। मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।